मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में करीब 61 दिन बाद अनलॉक हुआ शहर, तो सड़कों पर भीड़ का नजारा कुछ अलग ही दिखा। ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोरोना जैसी महामारी कुछ थी ही नहीं। लॉकडाउन में करीब 61 दिन में प्रशासन ने बिना मास्क लगाने वाले 1700 लोगों पर 6,42,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया। पूरा बाजार खोलने के बाद जनता सड़कों पर टूट पड़ी, जैसे कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। मेरे द्वारा, स्वयं के द्वारा करीब 1700 लोगों पे चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें दुकान भी, बिना मास्क वाले भी, और अनाधिकृत रूप से जो शादी ब्याह के कार्यक्रम कर रहे थे उन पे 6,82,110 रुपए की चालानी कार्रवाई हुई है। अभी देख रहे हैं जो मार्केट में भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको लेकर अभी क्या जानकारी? मार्केट में हाँ, अभी वैसे सब खुल गया है तो लोग भीड़ मचा रहे हैं। अभी रेवेन्यू के काम भी चालू हो गए हैं, सीमांकन चालू हो गई, बोनी चालू हो गए, पानी आने से नदी नालों में उफान भी इन्हें घरों में पानी भर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग रेवेन्यू के काम की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। पर हम लोगों को समझाइश देंगे और शहर में भ्रमण भी सतत करते रहेंगे और हो सकता है शक्ति भी करेंगे, चालानी कार्रवाई भी करेंगे।